हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता आतेर और आज के जीएसटी डोज के सिक्स्थ वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं CMP08 फॉर्म कहाँ है, क्या इसकी ड्यू डेट जो है एक्सटेंड होगी, GSTR 4A क्या है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स के अंदर रिसीव हो रहे हैं कि मैम CMP08 फॉर्म जो है अभी तक पोर्टल पे लाइव ही नहीं हुआ है, तो इसे हम कैसे फाइल करना है, क्या हम टैक्स का पेमेंट कर दें, GSTR 4A एक नया फॉर्म दिखाई दे रहा है तो उसका क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंस है, और GSTR 4 क्या हम फाइल कर सकते हैं अप्रैल टू जून 2019 के लिए, और अगर CMP08 फॉर्म जो कि आज जिसकी ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, अगर वो नहीं आता है पोर्टल पे तो हमें क्या करना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है यहां पे मिल सके। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी कंपोजिशन डीलर हैं ये जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट को, जीएसटी पोर्टल पे जब आप लॉग इन करके और रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं तो आपको CMP08 फॉर्म जो है वो आपको रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं बताता है, लेकिन जब आप जीएसटी पोर्टल के इंपॉर्टेंट डेट के सेक्शन के अंदर जाते हैं तो आपको जो सेकेंड डेट यहां पर दिखाई दे रही है वो दिखाई देती है आपको CMP08 जो कि आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है। अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं, कंपोजिशन स्कीम को आपने ऑप्ट कर रखा है तो अप्रैल जून 2019 तक के क्वार्टरली रिटर्न के लिए आपको CMP08 यहां पे फाइल करना है और उसकी ड्यू डेट जो है वो है जुलाई 2018, लेकिन अभी तक आपको जो है ये पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हुआ है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि कब तक ये अवेलेबल होगा। तो इसके लिए जब भी हम यहां पे जीएसटी हेल्प डेस्क के अंदर अपनी क्वेरीज को डालते हैं तो उसका उनकी तरफ से सिर्फ एक ही यहां पे रिप्लाई आता है कि इट विल बी अवेलेबल सून, यानी कि जो फॉर्म है वो आपका जल्द ही यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक जो मैसेज है वो स्प्रेड हो रहा है जिसके अंदर लिखा गया है कि जो CMP08 फॉर्म है वो पोर्टल पे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा 28 जुलाई तक, यानी कि 20 जुलाई तक ये अवेलेबल हो जाएगा, और साथ ही इसकी जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड की जाएगी 31 जुलाई तक, यानी कि आपको जो है यहाँ पे अपना रिटर्न जो है 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। लेकिन ना तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट पे दिखाई देगी और ना ही ये आपको मैसेज जो है CBIC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन के थ्रू इशू किया गया है। तो जब तक प्रॉपर ऑथेंटिकेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से इशू ना किया जाए तब तक हम यहाँ पे ड्यू डेट का एक्सटेंशन जो है नहीं मान सकते। अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या जीएसटी CMP08 फॉर्म है वो आपका अवेलेबल नहीं हुआ है तो क्या आप अपना टैक्स का पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को यहाँ पे ले चलना चाहूंगी CMP08 के फॉर्म पे जो कि यहाँ पे ऑफलाइन इशू किया गया है, तो उसको हम देखने के बाद आपका पूरा डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको टैक्स का पेमेंट यहाँ पे कर देना चाहिए। तो चलते हैं CMP08 फॉर्म पे। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो CMP08 फॉर्म है रूल 62 से जो गवर्न होता है वो है आपका स्टेटमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, यानी कि जीएसटी के अंदर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है तो आप अपना टैक्स का पेमेंट जो सेल्फ असेस्ड टैक्स का पेमेंट है उसके लिए आप CMP08 फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे और उसका स्टेटमेंट के द्वारा आप अपने टैक्स का यहाँ पे जो है पेमेंट करेंगे। साथ में इसके नोट्स के अंदर भी क्लियरली लिखा गया है कि जो टैक्स पेयर 2/2019 स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं वो अपने टैक्स का पेमेंट जो है
है क्वार्टरली बेसिस पे इस फॉर्म के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। और अपना जो टैक्स का पेमेंट, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल बनती है तो आप इसे जो है नो टैक्स लायबिलिटी के साथ निल स्टेटमेंट भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी टैक्स पेयर अपना टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी लायबिलिटी को असेस कर लिया है, तो वो आप यहाँ पे टैक्स का पेमेंट जो है CMP08 फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर आप टैक्स चालान के थ्रू करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको वैसे भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू अपना पेमेंट करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको कंपोजिशन लेवी का यहाँ पे पेमेंट करना है, जिसके अंदर आपको इंक्लूड करना है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, और यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर पे आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आप है ट्रेडर जिनको रिलीफ दी गई थी एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे, उनको टैक्स किसी भी तरह का टैक्स यहाँ पे नहीं देना है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो उनका टैक्सेबल सप्लाई है उन्हीं पे उनको टैक्स यहाँ पे देना है। सर्विस प्रोवाइडर हैं अगर आप, और आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 जिसे CGST बिल से जो है सेक्शन 10(2)(a) के अंदर इंसर्ट किया गया, तो यहाँ पे वो भी अपना 6% तक का टैक्स जो है इस फॉर्म के थ्रू यहाँ पे जो है कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म अगर अवेलेबल नहीं हुआ है पोर्टल पे और आपके पास अपने करंट अकाउंट के अंदर कैश बैलेंस पड़ा है और आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप GST CMP08 के थ्रू फिर बाद में अपना एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे कर सकते हैं जो आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। अगर आप कैश लेजर के थ्रू अपना टैक्स का पेमेंट टैक्स चालान के थ्रू करना चाहते हैं, ताकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको फ्यूचर के अंदर अगर ड्यू डेट एक्सटेंड भी हुई तो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि फॉर्म ही पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट तो नहीं करना होगा। और साथ में आपको जो है ड्यू डेट भी एक्सटेंड की जाएगी ताकि आप प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ इस फॉर्म को सही से यहाँ पे फाइल कर सकें। और ये फॉर्म जो है वो आपका स्टेटमेंट कम चालान है, तो इसके थ्रू आप जो है अपना टैक्स का पेमेंट डायरेक्टली यहाँ पे जो है कर सकते हैं डिटेल्स को फर्निश करने के बाद। तो जो भी टैक्स पर्सन जो है यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं टैक्स चालान के थ्रू, वो अपना टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहते, वेट करना चाहते हैं CMP08 फॉर्म का, तो वो भी यहाँ पे वेट करके और यहाँ पे जो है बाद में जब CMP08 फॉर्म आपका लाइव हो जाएगा तब आप अपना यहाँ पे फॉर्म जो है फाइल करके टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है यहाँ पे देने की जरूरत नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहा है वो है GSTR4 के बारे में। तो GSTR4 के लिए ये ऑलरेडी क्लेरिफाई हो चुका है कि GSTR4 जो है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए आपको एनुअली फाइल करना है, और ये आपको पर एनम फाइल करना है, 12 महीने में एक बार आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है, और CMP08 फॉर्म है वो आपको यहाँ पे क्वार्टरली फाइल करना है, और उसे जो है हर 3 महीने में आपको यहाँ पे फाइल करना है। तो यहाँ पे जो ये आपकी क्वेरी है कि क्या हम GSTR4 जो है फाइल कर सकते हैं April to June, तो क्योंकि ये पोर्टल पे भी आपको अवेलेबल नहीं दिखाएगा GSTR4, और अब GSTR4 की जगह जो है वो आपको एक नया फॉर्म दिखाई दे रहा है जो कि है GSTR4A, तो उसके लिए भी बहुत सारे कंपोजिशन डीलर को यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि क्या है ये GSTR4A और क्या हमें इसे फाइल करना है, क्या डिटेल यहाँ पे देनी है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि GSTR4A जो फॉर्म है वो GSTR2A के जैसा ही है। इसके अंदर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका जितना भी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो GSTR4 एक सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है, 4A आपका स्टेटमेंट है, इसके लिए आपको कुछ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो GSTR4A के माध्यम से आपका जो ITC आपका बन रहा है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो आप यहाँ पे अपना ITC जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए ये फॉर्म का रेलेवेंट बहुत ही कम है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने हमारे चारों जो इम्पॉर्टेंट क्वेरीज हैं उनका डिस्कस कर लिया है। तो मैं आपको एक सम अप करके यहाँ पे बता देती हूँ कि किन किन क्वेरी का क्या क्या यहाँ पे आंसर है।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन था CMP08 फॉर्म कहाँ है, तो वो अभी तक लाइव नहीं हुआ है, जल्द ही ये आपके पास लाइव हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन था यहाँ पे GSTR4A क्या है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया कि GSTR4A जो फॉर्म है वो आपका एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन आपने कंपोजिशन स्कीम को अगर आपने ऑप्ट किया है तो आप यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते, आपको कैश के थ्रू ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही अपने टैक्स का पेमेंट यहां पे करना होगा। फिर क्या करना है, CMP08 फॉर्म अगर नहीं आता है तो यहां पे क्या करना है आप सभी को वो मैं आपको बता चुकी हूं। अगर आपके पास बैलेंस पड़ा है और आप अपने टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं और एक कंजर्वेटिव अप्रोच, तो आप यहां पे जो है टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं टैक्स चालान को क्रिएट करके, और फिर जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं CMP08 के थ्रू। फिर अगर आप यहाँ पे ये अप्रोच अपनाना चाहते हैं, आप अपने टैक्स का पेमेंट नहीं करना चाहते हैं और उसे पेंडिंग रखना चाहते हैं जब तक आपका CMP08 फॉर्म लाइव नहीं होता, तो जब भी आपका लाइव होता है तो आप उसका प्रॉपर पेमेंट जो है यहाँ पे कर सकते हैं और विद इंटरेस्ट, आपको किसी भी तरह का पेमेंट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको विदाउट इंटरेस्ट यहाँ पे पेमेंट करना होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो आता है आपका GSTR4 के लिए, तो GSTR4 आपको यहाँ पे जो है एनुअली फाइल करना है, 12 महीने में एक बार, साल में एक बार आपको यहाँ पे फाइल करना है, और CMP08 फॉर्म जो है वो आपको हर 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पे फाइल करना है। तो ये आप सभी को यहां पे नोट करने की बात है कि CMP08 3 मंथ्स के अंदर फाइल करना है और GSTR4 जो है वो आपको यहां पे 12 मंथ्स के अंदर यहां पे फाइल करना है। तो अब यहाँ पे जो एक और क्वेरी जो आती है कि क्या इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, तो ड्यू डेट यहाँ पे पोर्टल पे अभी तक आपकी दिखाई दे रही है 18 जुलाई, और यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना तो CBIC के थ्रू आया है और ना ही GST पोर्टल पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जिससे कि हम यहाँ पे बता सकें कि आपकी यहाँ पे ड्यू डेट जो है एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी तक अगर फॉर्म अवेलेबल नहीं हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है कि आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। जब भी आपकी ड्यू डेट यहाँ पे एक्सटेंड होती है तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो अपडेट के माध्यम से या मेरी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी को अपडेट करवा दूंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट डालूँ आप सभी के लिए जो है ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए अवेलेबल हो पाए। और इस वीडियो को औरों के साथ शेयर करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज जो है रिसीव की जा रही है टैक्स पेयर्स के माध्यम में, बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्टे अपडेटेड, जय हिंद। सब्सक्राइब करें CA अंकिता चैनल को और प्रेस करें बेल के आइकन पर इनकम टैक्स GST और CA से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है।